बिहार में जो एंसेफलाइटिस की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, तो इसके खिलाफ आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ बहुत यह बेशर्मी की बात है, शर्मिंदगी हो रही है हमें यह बताने के लिए कि आज की तारीख 177 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं केवल और केवल सरकारी अस्पताल में सही सुविधाएं ना होने की वजह से। डॉक्टर अपने प्रयत्न कर रहे हैं शायद, लेकिन आईसीयू में जहां एक बेड पे एक बच्चा होना चाहिए, दो दो तीन तीन बच्चों को वहां पे ठुसाया जा रहा है और ऐसी लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो 177 यह कोई किसी टीम की स्कोर नहीं है। यहाँ पर यहाँ 177 मासूम जानों ने अपनी जान गंवाई है केवल लापरवाही की वजह से। बहुत ही शर्मिंदगी होती है यह बात कहने के लिए। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर सही सुविधाएं पहुँचाई जाए और सारे अस्पतालों में इन बच्चों का इलाज मुफ्त में हो जाए। यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी भी वजह से अस्पताल से बिना इलाज या फिर क्या कहते हैं मौत के घाट ना उतारा जाए। तो यही मांग करते हुए आज यह प्रदर्शन गुलबर्गा में हुआ है। हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये चाहिए कि जनता भी ऐसे मामले में अपनी आवाज़ उठाए और सरकार तक गवर्नमेंट तक अपनी मांगे पहुंचाए। एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से डॉक्टर सीमा देशपांडे। The incident which has happened in Bihar, the death of 170 odd children is very condemnable. It is the government is trying to blame the lychee fruit and other things, but the root cause is the poor malnutrition of children. The proper healthcare is not there. The government hospitals are in very pathetic state. There is no hygienic which is being taken care of, and the hospitals are in very bad shape. So that is being the root cause of all this problem. It is the malnutrition and very bad healthcare. So that is what we urge the government. This is a very dire negligence of the government towards death of children. The death of small children is so painful, and the government is all the way busy in other things, doing other politics. So we condemn this dirty politics of the government, and we urge upon the government to take immediate actions to bring the hospitals in better shape and to investigate what has caused the death of so many children,